बीपीएससी के बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी। पीटी में 1675 अभ्यर्थी पास, 17819 अभ्यर्थियों ने दिया था एग्जाम। अभी भी पास अभ्यर्थियों का होना था साक्षात्कार। www.bpsc.bih.nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, बीपीएससी के बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। पीटी में 1675 अभ्यर्थी ही सिर्फ पास हुए हैं, जबकि 17819 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था। अभी भी पास अभ्यर्थियों का होगा साक्षात्कार। www.bpsc.bih.nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, यानी कि बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17,819 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से सिर्फ 1675 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिनका साक्षात्कार अभी होना बाकी है। और आप अपना रिजल्ट जो वेबसाइट आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है उस पर जाकर चेक कर सकते हैं, और इस पर जाकर आप अपना जो भी रिजल्ट है उसे देख सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको जो डिटेल्स है वो प्रॉपर तरीके से फिल करनी होगी, और आप डिटेल्स जैसे ही भरेंगे उसके बाद आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। हालांकि हो सकता है सर्वर की वजह से कुछ परेशानी हो, लेकिन आपका रिजल्ट आप जरूर देख पाएंगे। www.bpsc.bih.nic.in पर, इस वेबसाइट पर जाकर आप तुरंत अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 1600 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया है, 1675 लगभग अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया, 17,819 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, और इसमें से 1675 अभ्यर्थियों ने एग्जाम पास किया है। हाल ही में बीपीएससी की ओर से जिस तरह से एग्जाम आयोजित किए गए, काफी कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम आयोजित कराए गए थे और हर एक मापदंड का ख्याल रखा जा रहा था, उसके बाद जो रिजल्ट है वो आज जारी हो चुका है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता उत्कर्ष में देंगे। उत्कर्ष, जो रिजल्ट है बीपीएससी एग्जाम का वो सामने आ चुका है, क्या अपडेट, क्या जानकारी, कैसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं अभ्यर्थी? उत्कर्ष, बिल्कुल, देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो न्यायिक सेवा पीटी परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जारी हो गया है। 32वां न्यायिक सेवा पीटी की परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। हालांकि देखिए इसमें कुल 1675 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। अगर इसकी जानकारी और रिजल्ट किसी को भी देखना है तो बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर सीधा जाकर देखा जा सकता है। 32वां न्यायिक सेवा रिजल्ट का लिस्ट जो है वो सबसे ऊपर डाला गया है, जिसमें करीब 1675 अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। हालांकि इसके बाद अब दूसरी प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, यानी कि वॉक इंटरव्यू, यानी कि कहा जा सकता है कि जो भी सफल अभ्यर्थी हैं वो अब साक्षात्कार करेंगे, उन्हें बुलाया जाएगा पटना बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर में, वहां पर इंटरव्यू होगा, उसके बाद आगे क्रिया जो होगी वो पूर्ण की जाएगी। पूजा, ठीक है, उत्कर्ष बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे तमाम खबरों पर।